मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दो चरणों में हुए मतदान से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी का देश भर में सफाया हो रहा है। जोधपुर में पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत करते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा घबरा गई है, रोड शो की नौबत आ गई है। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज के आधार पर दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस का मिशन 25 पूरी तरह सफल होगा। पर वो लगता है कि रोड शो करने की नौबत आ गई है तो ये पहले ही घबरा गए और हार मान चुके हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये अभी बौखलाए हुए हैं कि दो राउंड जो हुए देश के अंदर सब जगह बीजेपी सफाय हो रहा है, तो इसलिए वो क्या बात कर रहे हैं। मेरी हर बात को इनको इनके पेट में दर्द होता है। मैं राष्ट्रपति की बात करूं कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें भावना थी तो उसको तोड़ मोड़ के दे देंगे ये लोग। तो सवाल ये कि जिस प्रकार से जोधपुर की जनता उठ खड़ी हुई है, चुनाव जोधपुर की जनता मतदाता खुद लड़ रहा है चुनाव, क्योंकि वो मालूम है कि 38 साल में जो कुछ भी हुआ है, जिस शहर को खाली करने की नौबत आ रही थी, खाली करने की नौबत तीन बार आई थी, और कांग्रेस की सरकारों ने मनाई से, मथानिया से, त्यूरी से, सब जगह से, रंची गांव से इमरजेंसी की पाइपें बिछा के पानी लाए हैं, रेलगाड़ियों टैंकर में पानी आया, उस दिन भूले नहीं लोग, जानते हैं। आम लोगों को मालूम नहीं होता निफ्ट क्या है, FDDI क्या है, पर जो जानते हैं इस फील्ड के लोग उनको मालूम है कि क्या क्या हुए यहाँ पर, एम्स आना किसे कहते हैं। तो इसलिए काम की कमी रखी नहीं है। अब वैभव गहलोत को चांस मिला है, जैसे उन्होंने खुद ने प्रॉमिस की है, जो काम हम लोगों ने किए अभी तक, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो वो कोई कमी नहीं रखें, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। जोधपुर में हमारे विधायक जीतते हैं, दिल्ली में MP बन के जाएंगे, तो सब मिलकर के मैं समझता हूँ और ज़्यादा मजबूती से काम होगा।